हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लाउड इंटरप्रिटेशन। आज जो ड्रामा मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो ड्रामा रियल इंसिडेंट पर बेस्ड हो सकता है। इस ड्रामा का नाम जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे लगा था कि इस ड्रामा का नाम स्नो ड्रॉप क्यों रखा गया है। फिर मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि स्नो ड्रॉप एक फ्लावर का नाम होता है जिसे आप जब भी अपने घर में ले जाते हो वो अपने साथ पैडलॉक ले आता है। तो अब इस फ्लावर का इस ड्रामा से क्या कनेक्शन है वो आपको इस एपिसोड के एंड तक समझ आ जाएगा, और अगर नहीं भी आए तो मैं आपको अगले एपिसोड में समझा दूंगी। Now without wasting further time, let's march towards the first episode. सीरीज की शुरुआत सन 1987 में होती है जहाँ पर हम उस यूनिवर्सिटी को देखते हैं। कहने को तो ये काम सी यूनिवर्सिटी थी पर इसके अंदर रहने वाले स्टूडेंट्स ने अपनी एक अलग ही दुनिया बसा ली थी। उस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में हमारी मुलाकात रूम 207 के मेंबर्स से होती है जिसमें चार बेस्ट फ्रेंड्स रहा करते थे जिसमें से एक का नाम था हायरोंग। सुंदर होने के साथ साथ सभी लड़कों की फेवरेट भी थी और इसी बात का घमंड हायरोंग के सिर पर हमेशा चढ़कर नाचता था। हायरोंग अपनी सिंगिंग प्रैक्टिस कर ही रही थी कि तभी रिसेप्शनिस्ट पूरे हॉस्टल में अनाउंस करती कि रूम 207 के लिए कॉल आया है। अब हायरोंग को जैसे ही बात पता चलती वो फुल एटीट्यूड में कॉल पिकअप करने जाती है, पर तभी रिसेप्शनिस्ट अनाउंस करती है कि ये कॉल योंगरो के लिए जो कि हमारी सीरीज की फीमेल प्रोटैगनिस्ट है। योंगरो को तो यकीन ही नहीं होता कि ये कॉल उसके लिए है। वो बिचारी जैसे तैसे गिरते पड़ते रिसेप्शन पर पहुंचती है पर रिसेप्शनिस्ट उसे कॉल देने से मना कर देती है। दरअसल इस हॉस्टल का एक रूल था कि अगर कॉल रिसीवर 30 सेकंड में रिसेप्शन पर नहीं पहुंचा तो उसे कॉल अटेंड करने नहीं दी जाएंगी। रिसेप्शनिस्ट योंगरो को थोड़ा बहुत टीज करती और फिर उसे फोन दे देती है। कॉल खत्म करने के बाद योंगरो लंच के लिए जाती है और वहां पर उसकी फ्रेंड उसे टीज करते हुए पूछती भी है कि क्या तुम्हें किसी लड़के का कॉल आया था। तो योंगरो डिसअपॉइंट होते हुए कहती है कि उसकी दादी जी ने कॉल किया था ये जानने के लिए कि वो राइस केक कलेक्ट करने के लिए उनके घर कब आएंगी। वो दोनों ही आपस में हायरोंग का मजाक उड़ाने लगती कि कैसे उसे सुबह फोन को लेकर गलतफहमी हो गई थी। उन दोनों की ये खुसर-फुसर हायरोंग सुन लेती है और उसे थोड़ा बहुत गुस्सा आने लगता है और उसके गुस्से में आग में घी डालने का काम इनकी दूसरी रूममेट करती है जो कि हायरोंग को बताती है कि दो दिन पहले रिसेप्शनिस्ट ने हायरोंग के लिए आए हुए कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया था। ये जानती हायरोंग आग बबूला हो जाती है और अपने गुस्से में रिसेप्शनिस्ट को भला बुरा कहने लगती है। रूममेट हायरोंग को रोकने की कोशिश भी करती है तो हायरोंग उसी पर चिल्लाने लगती है। उन दोनों का ये झगड़ा पूरे रूम में गूंजने लगता है और स्टूडेंट हेड उन्हें डांटने वाली होती है कि तभी योंगरो जोर जोर से बुक पढ़ने लगती है जिससे कि पूरा मामला ठंडा हो जाता है। दूसरी तरफ हमारी मुलाकात सेक्रेटरी जर्नल ऑफ ए मेन पार्टी से होती है जिनका नाम नामदेल था। रूलिंग पार्टी में इनकी पोजीशन नंबर 2 पर आती थी। नामदेल के जूनियर चैंग्स होते जो कि उनसे बहुत जला करते थे क्योंकि उम्र छोटी होने के बावजूद भी नामदेल चैंग्सु के सीनियर थे। चैंग्सु की वाइफ को भी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। नामदेल और चैंग्सु एमिन पार्टी के हेड से मिलने जाते हैं जिनका नाम मिस्टर पार्क था और ये रूलिंग पार्टी में नंबर 1 पोजीशन पर थे। जल्दी प्रेसिडेंट आ जाते हैं और उनके सामने सभी लोग एक अजीब सा रिचुअल परफॉर्म करते जिसमें वहाँ पर मौजूद सभी मेंबर्स अपना खून पानी में डालकर उसी पानी को पी लेते हैं, पर नामदेल प्रेसिडेंट को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपने पाम को कट करता है और उस पाम से निकला हुआ खून पानी में डालकर पी जाता है। मीटिंग के बाद प्रेसिडेंट चैंग्सु को नीचा दिखाते हुए कहते कि उसे नामदेल से कुछ सीखना चाहिए। दूसरी तरफ जब मिसेस नामदेल मिसेस चैंग्सु से मिलती है तो वो उन्हें भी नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। अब जाहिर सी बात थी मिसेस चैंग्सु जो कि पहले के जमाने में एक अच्छी एक्ट्रेस रह चुकी थी उन्हें मिसेस नामदेल का ये व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। दूसरी तरफ हमारी मुलाकात ब्लैक टाइगर से होती है जो कि नेशनल सीक्रेट एजेंसी के हेड थे और ये हाल ही में साउथ कोरिया लौटे थे। हैना भी नेशनल सीक्रेट एजेंसी में ही काम किया करती थी और उसे अपने कोवर्कर से पता चलता है कि ब्लैक टाइगर भी हाल ही में कोरिया लौटा है। हैना ब्लैक टाइगर की मीटिंग अटेंड करने जाती जिसमें वो इनवाइटेड नहीं थी। मीटिंग के दौरान ब्लैक टाइगर बताता है कि वो साउथ कोरिया एक खास मिशन के लिए लौटा है। दरअसल नॉर्थ कोरिया का एक खास जासूस सियोल में छुपा हुआ है और उसी जासूस को ढूंढने के सिलसिले में ब्लैक टाइगर वापस साउथ कोरिया आए हैं। ब्लैक टाइगर हमें ये भी बताते कि 2 साल पहले जर्मनी में वो उस जासूस को पकड़ने के बहुत ही करीब थे पर अपनी साथी के जख्मी होने की वजह से बदकिस्मती से वो जासूस उनके हाथ से निकल गया। ब्लैक टाइगर सभी लोगों को बताते कि उस जासूस की नाम उम्र और शक्ल किसी को भी नहीं पता है। ये सब बताते हुए उनकी नजर हैना पे पड़ती है और इन दोनों के बीच के टेंशन से हमें समझ में आता है कि इनकी कोई ना कोई बैक स्टोरी तो है। गेटिंग बैक टू द सीन ब्लैक टाइगर जब पूछता है कि मेरे साथ इस मिशन में कौन कौन काम करेगा तो हैना स्क्रीन के ऊपर शूट कर देती है। ब्लैक टाइगर को हैना का ये बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता पर चीफ हैना की इस गलती को कवर अप करते हुए कहते हैं कि भलाई हैना का गुस्सा बहुत ही ज्यादा तेज हो पर वो अपने काम में
बहुत अच्छी है। चीफ की ये बातें ब्लैक टाइगर पर कुछ भी असर नहीं करती और वो हैना को अपनी टीम में लेने से साफ इनकार कर देता है। दूसरी तरफ हमारी मुलाकात सोहो से होती है, जो कि सीरीज का मेन लीड है। सोहो ने अपना ग्रेजुएशन जर्मनी से कंप्लीट किया था और वो अब साउथ कोरिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान पर थीसिस लिख रहा था। सोहो ने आज अपने फ्रेंड गांगती के पास होने की खुशी में बारबेक्यू पार्टी भी रखी थी। दूसरी तरफ हम योगरो को देखते, जो कि अपनी दादी से राइस केक लेने के चक्कर में हॉस्टल पहुंचने में लेट हो गई थी। अब हॉस्टल का एक रूल था कि 9 बजे के पहले वार्डन को सभी लड़कियां हॉस्टल के अंदर चाहिए थी। अब जो कि योगरो हॉस्टल पहुंचने में लेट हो गई थी, तो वॉचमैन और रिसेप्शनिस्ट योगरो को छुपते छुपाते उसके रूम की विंडो तक पहुंचाते हैं। वार्डन सोने से पहले हर रोज हर रूम को चेक किया करती थी, ये जानने के लिए कि सभी लड़कियां सही सलामत अपने कमरे में पहुंची भी है या नहीं। और जो भी लड़की समय पर अपने रूम में नहीं पहुंचती, वार्डन उसके पूरे रूम को सजा देती थी। अब योगरो खिड़की तक तो पहुंच गई थी, पर उसे रूम के अंदर लाने के लिए रिसेप्शनिस्ट झूठ कहने लगती कि उसने चूहा देखा। अब चूहे का नाम सुन पूरे हॉस्टल में भागदौड़ मच जाती है और योगरो की रूममेट्स उसे सही सलामत रूम में ले लेती है। थोड़ी देर बाद वार्डन जब योगरो का रूम चेक करने आती है, तो उन्हें योगरो पर शक भी होता है, क्योंकि उसे बहुत पसीना आ रहा था। पर योगरो झूठा बहाना बना देती है और वार्डन उसकी बात मान भी जाती है। वार्डन रूम 207 के मेंबर्स को वार्निंग भी देती है कि अब उनके पास आखिरी चांस बचा है और अगर एक और बार उन्होंने डिसिप्लिन तोड़ा तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। वार्डन के जाने के बाद योगरो वॉचमैन से मिलने जाती है और उनकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करती है। योगरो रिसेप्शनिस्ट का भी शुक्रिया अदा करने जाती है, पर वो अपने रूम का दरवाजा पूरा नहीं खोलती। योगरो की रूममेट भी ये बात नोटिस करती है और वो योगरो से कहती है कि रिसेप्शनिस्ट जरूर अपने रूम में कुछ छुपा रही है और इसी वजह से वो कभी भी अपने रूम का दरवाजा पूरा नहीं खोलती है। वापस अपने रूम में लौटने के बाद योगरो अपनी रूममेट्स के साथ बहुत मस्ती करती है। अगली सुबह ब्लैक टाइगर हैना को अपनी टीम में शामिल कर लेता है, क्योंकि हैना के पास इस मिशन की पूरी इन्फॉर्मेशन थी, जो कि ब्लैक टाइगर के बहुत काम आ सकती थी। दूसरी तरफ योगरो को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके भाई ने अब तक उसे कोई भी चिट्ठी नहीं लिखी थी। योगरो अपना गुस्सा एक चिट्ठी के जरिए जाहिर करती है और उस चिट्ठी का एरोप्लेन बनाकर उड़ा देती है। दरअसल योगरो का भाई मिलिट्री में था और इसी वजह से उसे योगरो को लेटर लिखने का टाइम नहीं मिलता था। थोड़ी देर बाद हॉस्टल में ग्वांगती का कॉल आता है, जो कि हायरोंग का फैन था। लकीली ये कॉल योगरो पिकअप करती है और ग्वांगती उसे बताता है कि वो और उसके फ्रेंड्स हायरोंग की रूममेट्स के साथ ब्लाइंड डेट पर जाना चाहते हैं। योगरो जैसे ये बात सुनती है वो खुश हो जाती है और गांगती को डेट के लिए हाँ कह देती है। रिसेप्शनिस्ट योगरो की बातें सुन लेती है और वो उसके पीछे पड़ जाती है कि वो भी ब्लाइंड डेट पर जाना चाहती है। अब क्योंकि योगरो की एक रूममेट वैसे ही डेट पर नहीं आने वाली थी, रिसेप्शनिस्ट इस बात का फायदा उठाते हुए योगरो के सामने इमोशनल ड्रामा करने लगती है। दरअसल रिसेप्शनिस्ट ने फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और इसी वजह से वो अपनी लाइफ का एक दिन कॉलेज गर्ल की तरह बिताना चाहती थी। योगरो उसका दुख समझते हुए हायरोंग को मनाने जाती है, ताकि वो रिसेप्शनिस्ट को भी अपने साथ ब्लाइंड डेट पर ले जा सके। हायरोंग पहले तो बहुत मना करती है, पर जब योगरो उससे कहती है कि रिसेप्शनिस्ट बस अपनी जिंदगी का एक दिन एक काम कॉलेज गर्ल की तरह बिताना चाहती है, हायरोंग उसे आखिरी मौका दे देती है। दूसरी तरफ गांगते भी सोहो को डेट पर चलने के लिए मना लेता है। अगली सुबह रिसेप्शनिस्ट मीटिंग डेस्टिनेशन पर सबसे पहले पहुंच जाती है और वो वॉशरूम में चुपके से गांगते ही और सोहो की बातें सुन लेती है। गांगते ही सोहो को ब्लाइंड डेट्स के रूल समझाता है कि हम सबको अपने पास का एक आइटम लड़कियों के सामने रखना होगा और जो भी एक लड़की वो आइटम को सिलेक्ट करेंगी, वही तुम्हारे साथ आगे ब्लाइंड डेट पर जाएंगी। अब क्योंकि सोहो पहली बार ब्लाइंड डेट पर आया था, उसके पास में ऐसा कोई भी आइटम नहीं था, तो गांगते ही उसकी जेब चेक करने लगता है और उसे एक एरोप्लेन मिलता है। वो सोहो से कहता है कि तुम यही आइटम डाइनिंग टेबल पर रखना। उन दोनों का ये पूरा डिस्कशन रिसेप्शनिस्ट सुन लेती है। थोड़ी देर बाद हायरोंग योगरो और उनकी एक फ्रेंड डेट डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, पर रिसेप्शनिस्ट का कहीं भी आता पता नहीं था। गांगती जैसे ही हायरोंग को ग्रीट करने के लिए उठता है, सोहो का मैचस्टिक टार उसके धक्के से गिर जाता है, जो कि वो बहुत समय से बना रहा था। योगरो टार को बचाने की कोशिश भी करती है, पर टार को बचाने के चक्कर में उसके हाथ सोहो के हाथ को टच हो जाते हैं। और उन दोनों के लिए ही ये पल ठहर सा जाता है। जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और रिसेप्शनिस्ट भी डेट के लिए आ जाती है। उसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रही थी। सभी लड़कों को भी रिसेप्शनिस्ट का ये बिहेवियर बहुत ही ज्यादा ऑड लग रहा था, खास करके सोहो को तो रिसेप्शनिस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। अब डेट की शुरुआत होती है और सभी लड़के अपने अपने आइटम्स लड़कियों के सामने रखते हैं। लड़कियां ये बात नहीं जानती थी कि कौन सा आइटम किस लड़के को बिलोंग करता है। सबसे पहले हायरोंग की चांस आती है, तो वो ग्वांगती का गवर्नमेंट एग्जाम पासिंग सर्टिफिकेट उठाती है।
ग्वांग ती तो इस बात से बहुत खुश होता है, पर हर योंग के चेहरे पर उदासी के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता। दूसरी चांस योंगरो की होती है और सोहो भी यही चाहता था कि योंगरो उसी का आइटम उठाए, क्योंकि योंगरो जैसे ही किसी दूसरे आइटम को हाथ लगाने लगती थी सोहो की सांसें तेज हो जाती थी। योंगरो जैसे ही पेपर प्लेन को उठाने वाली होती है रिसेप्शनिस्ट, योंगरो के हाथ से वो पेपर प्लेन ले लेती है। जाहिर सी बात थी, रिसेप्शनिस्ट के इस एक्ट से सोहो और योंगरो दोनों ही बहुत नाखुश थे। डेट के बाद हम देखते कि योंगरो एक बुक स्टोर में सोहो को याद करके जोर जोर से गाना गा रही थी। दरअसल योंगरो को सोहो से पहली नजर में ही प्यार हो गया था और लकीली सोहो भी उसी बुक स्टोर में मौजूद था। योंगरो की ये हरकत देख उसके चेहरे पे भी एक स्वीट सी स्माइल आ जाती है। योंगरो को जैसे ही इस बात का एहसास होता है कि वो बुक स्टोर में जोर जोर से गाने गा रही थी, वो एम्बेरस होकर बुक स्टोर से भागने लगती है, पर अनजाने में उसकी टक्कर सोहो से हो जाती है। सोहो भी योंगरो जो गाना गा रही थी वही गाना गा कर योंगरो को चिढ़ाने लगता है। योंगरो सोहो से पूछती भी कि तुम तो रिसेप्शनिस्ट के साथ डेट पर गए थे ना, तो जवाब में सोहो कहता है कि मैं बहुत बिजी था और इसी वजह से मैं अपनी डेट को कंटिन्यू नहीं कर पाया। सोहो भी योंगरो से पूछता है कि वैसे तुम भी तो डेट पर गई थी ना, तो योंगरो स्माइल करते हुए कहती है कि मैं भी बहुत ज्यादा बिजी थी और इसी वजह से मैं भी अपनी डेट को कंटिन्यू नहीं कर पाई। योंगरो सोहो से नजरें चुराकर एक कैसेट खरीदने जाती है, पर उसके पास पूरे पैसे ना होने पर उसे वो कैसेट रिसेप्शन पर ही छोड़नी पड़ती है। सोहो इस बात को नोटिस कर लेता है और वो योंगरो के लिए वही वाली कैसेट खरीद लेता है। शॉप से निकल कर सोहो वो कैसेट योंगरो को दे भी देता है, पर योंगरो उससे कहती है कि वो ऐसे किसी से भी एहसान नहीं ले सकती। योंगरो सोहो को वो कैसेट वापस करने ही वाली होती है कि तभी पुलिस आसपास के लोगों की छानबीन करने लगती है। सोहो को जैसे इस बात का अंदाजा होता है कि उसके आसपास पुलिस है, वो घबराने लगता है और योंगरो उसके चेहरे की ये बदलते एक्सप्रेशंस नोटिस कर लेती है। अब सोहो को पुलिस वालों से बचाने के लिए योंगरो एक्टिंग करने लगती है कि वो सोहो की गर्लफ्रेंड है और सोहो ने उसे चीट किया है। सोहो भी योंगरो के इस एक्ट में उसका साथ देता है और वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। पुलिस वालों को लगता है कि आम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झगड़ा है और वो वहां से मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। पुलिस वालों के जाते ही योंगरो सोहो से अलग हो जाती है और सोहो को बताती है कि एक बार उसके बड़े भाई को भी ऐसी प्रोटेस्ट में पुलिस ने पकड़ लिया था। सोहो भी योंगरो की एक्टिंग की तारीफ करता है और योंगरो वहां से चली जाती है, पर सोहो उसे रोककर उसकी कैसेट वापस करता है। दूर से एक आदमी सोहो और योंगरो को देख रहा था। सोहो जब इस बात को नोटिस करता है तो वो योंगरो से दूर जाने लगता है और वो जासूस आदमी भी वहां से चला जाता है। पर योंगरो सोहो को रोककर कहती है कि वो ऐसे किसी का भी एहसान नहीं लेती, तो एहसान चुकाने के लिए वो कल सोहो से फिर से कैफे में मिलना चाहती ताकि वो उसे कॉफी पिला सके। सोहो योंगरो के इस क्वेश्चन का कोई भी जवाब नहीं देता। हॉस्टल पहुंचकर योंगरो इतनी ज्यादा खुश होती कि उसे पूरी रात नींद नहीं आती, और खुश भी क्यों ना हो, आखिर वो अपने पहले प्यार से कल फिर से मिलने जो वाली थी। अगले दिन योंगरो सोहो का कैफे में वेट करती है, पर बहुत टाइम वेट करने के बाद भी सोहो योंगरो से मिलने नहीं आता। इस बात पर योंगरो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होती है और वो वहां से चली जाती है। 6 महीने बाद हम देखते कि चाइना बीजिंग ने नाम तेल और चैंगसू चाइनीज गवर्नमेंट के साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया के बारे में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। चैंगसू इस कॉन्ट्रैक्ट से खुश तो नहीं था, पर नाम तेल के प्रेशर में आकर उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही पड़ता है। दूसरी तरफ हम व्हाइट टाइगर और हाना को देखते हैं, जिन्हें पता चल गया था कि सोहो ही वो नॉर्थ कोरियन जासूस है जो कि 2 साल पहले जर्मनी से भागा था। हाना को ये बात भी पता चल गई थी कि सोहो का इस काम में साथ देने वाले और भी 2 लोग हैं। उसी रात सोहो अपने दोनों साथियों के साथ अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को पिकअप करता है। वो चारों कहीं जा ही रहे होते कि तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, और सही वक्त देखकर हाना और ब्लैक टाइगर भी एक्सीडेंट स्पॉट पर आ जाते हैं। सोहो के बाकी साथी तो एक्सीडेंट की वजह से बेहोश हो गए थे, पर सोहो कार से भागने की कोशिश करता है। हाना और ब्लैक टाइगर भी उसका पीछा करते हैं, पर बीच रास्ते में स्टूडेंट का प्रोटेस्ट शुरू होने की वजह से सोहो बचकर निकल जाता है। सोहो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर होसो यूनिवर्सिटी में पहुंचता है, पर ब्लैक टाइगर उसे किसी रूम के विंडो के अंदर घुसते हुए देख लेता है। अब ब्लैक टाइगर अपनी पूरी आर्मी के साथ होसो यूनिवर्सिटी में जाता है ताकि वो सोहो को ढूंढ सके। वार्डन इस बात पर ऑब्जेक्शन भी उठाती है, पर ब्लैक टाइगर उसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि इतने क्रूशियल टाइम पर उसके पास अथॉरिटी से परमिशन लेने का समय नहीं था। ब्लैक टाइगर अपने सभी साथियों के साथ होसो यूनिवर्सिटी की छानबीन करने लगता है। दूसरी तरफ योंगरो जब अपने रूम में आती है तो वो देखती है कि विंडो के पास बहुत सारा सामान फैला हुआ है। वो जैसे ही विंडो के पास जाती है वो देखती है कि एक आदमी बेहोश हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। योंगरो हिम्मत जुटाकर उस आदमी का चेहरा देखने की कोशिश करती है, तो वो आदमी सोहो ही निकलता है। अब आगे सोहो के साथ क्या होगा? क्या योंगरो सोहो को अपने रूम में छुपने भी देंगी? और अगर योंगरो ने सोहो को छुपने भी दिया तो वो अपने रूममेट्स को कैसे मनाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में सोहो एक नॉर्थ कोरियन स्पाई है?
इन सब क्वेश्चंस के आंसर हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले प्लीज मुझे बताना कि आप लोगों को ये ड्रामा कितना पसंद आया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय।